क्लास 9 ये वीडियो आप लोगों के लिए है। जैसे कि आज का अभी आज मंडे है, तो आज मंडे वेनसडे फ्राइडे आप लोगों का क्लास होता है। तो आज मैं कराऊंगा चैप्टर बायोलॉजी का फ्लावर। बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत बड़ा है, और जिसके पास बुक है वो अच्छा होगा। अगर वो बुक के साथ पढ़े तो ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब मैं जो कवर कर रहा हूँ, मैं तो कवर कर रहा हूँ, तो साथ में उसके बारे में भी आप वो डिटेल में पढ़ाई करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मान लो कोई भी टॉपिक पढ़ाऊँ, ठीक है, तो वो टॉपिक के बारे में आप जैसे सुन लिए तुम लोग, या पहले पूरा सुन लो एक बार, जो समझ में आए एक बार, और एक बार जब देखोगे ना तो टॉपिक बाय टॉपिक देखना कि ये पहला टॉपिक सुने, फिर अब बुक से देखो, ठीक है। हो सकता है कि मैं जो बताया उससे ज़्यादा बुक में दिया हुआ है। याद रखना, बायोलॉजी में सिर्फ समझना नहीं होता जैसे फिजिक्स में समझना होता है, बायोलॉजी तुम्हें डिटेल में पढ़ना होता है। जैसे मान लो, हो सकता है मैं कुछ कुछ एग्जाम्पल नहीं दिया हूँ या ये नहीं दिया हूँ, वो आप लोगों को सारा लर्न करना होगा। अगर एग्जाम्पल्स नहीं लर्न करोगे, इसमें समझ लो सारा रट्टा मारना पड़ेगा। फिजिक्स में कम रट्टा मारना पड़ता है, सिर्फ समझना ही पड़ता है। बायो में तो एक एक लाइन तुम्हें अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सारा एग्जाम्पल ये वो सब कुछ, सो स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा इजी करने का, लेकिन फिर भी जो जितना अच्छा से बुक से पढ़ेगा उतना अच्छा समझेगा, ठीक है। अब जैसे मेरा डायग्राम तुम देख के समझ ही सकते हो, कितना घटिया डायग्राम है, और क्या करें, जैसे ऐसे ही आता है हमको डायग्राम बनाने। इमेजिन सब फ्लावर, इमेजिन ही करना पड़ेगा तुम लोग को। तो चैप्टर का नाम ही है फ्लावर, तो बायोलॉजी का चैप्टर है। तो देखो यहाँ पे फ्लावर जो है ना, अब तुम इमेजिन तो पक्का कर सकते हो। ये जो मिडिल पोर्शन है, ये फीमेल पोर्शन है, फीमेल पार्ट है, ठीक है। फिलहाल याद रखो फीमेल पोर्शन, मैं आगे आऊँगा इसे कहते हैं, कैसे कहते हैं, गाइनोशियम। अगर याद रख सकते हो तो बहुत अच्छा, फिलहाल के याद रखो इसको कहते हैं तुम वो फीमेल पार्ट। और ये जो बगल बगल से निकला हुआ है ना, अरे तुम लोग सब कुछ जॉबा फूल देखो, जॉबा मैंने जो काली माई को चढ़ता है, ठीक है, जो देखिए उन्हें लाल वाला चाइना रोज कहते हैं या हाइबिस्कस कहते हैं बहुत जन, तो उसमें देखोगे ना एक मिडिल से निकला हुआ चीज़ है, मिडिल से निकलता हुआ चीज़ है, तो वो मिडिल से निकला हुआ चीज़ वो ये रहा, ठीक है। और इसके बगल बगल से ना कुछ येलो येलो टाइप का टॉप में रहता है कुछ, ठीक है, तो ये सब रहा। और बगल में लाल लाल कलर का जो ये रहता है उसे कहते हैं पेटल्स कहते हैं, और जो नीचे से ग्रीन निकला हुआ रहता है उसे सेपल्स कहते हैं। शायद कुछ समझ में आ रहा होगा तुम लोग का, जो ये समझ लो वो जौबा का फूल है, तो नीचे से जो ग्रीन ग्रीन निकला हुआ रहता है नीचे से, इसे कहते क्या, सेपल्स कहते हैं। पहले माथा में सेट कर लो क्या किसे कहते हैं, ये सेपल्स है। ये जो लाल लाल पंखुड़ी सब है पूरा घेर के रखा हुआ, नहीं होता घेर के पूरा फूल का जो पूरा घेर के रखा हुआ रहता है वो सब तरफ से, ठीक है। वो हो गया रेड रेड कलर का जो है, वो हो गया तुम्हारा पेटल्स। तो नीचे वाला ग्रीन कलर समझ में आ गया, ग्रीन वाला था सेपल्स, अभी जो मैं बता रहा हूँ वो पेटल्स का बारे में बता रहा हूँ, जो खुलता है, ठीक है, पेटल्स हो गया। अब पेटल्स के बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, अब ये सब है, पेटल्स सेपल्स है, पर ये जो अब बता रहा हूँ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इसमें आता है ये जो है फीमेल पोर्शन है, मिडिल में एक तो होता है, और जो बगल बगल से निकला हुआ रहता है जिसके एंड में पोलन ग्रेन्स रहता है, ठीक है, दीज आर द मेल पार्ट्स। समझ में आ गया थोड़ा बहुत, ओके। अब मैं थोड़ा फास्ट बताऊँगा इस, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर निकला, समझाने बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा, ये जो पूरा फ्लावर है ऐसा लगता है किसी चीज़ पे सेट किया हुआ, मैंने कुछ फूला जैसा है, सोलिड पार्ट है, इस पर सेट किया हुआ, इसको कहते हैं थैलामस या फिर रिसेप्टेकल कहते हैं। रिसेप्टेकल अगर बुक देखोगे, बुक नहीं भी देखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो अगर सुन रहे हो अच्छे से तो काम हो जाएगा, लेकिन समझे ना इसको कहते क्या। तो अभी मैं बताया क्या क्या, मैं बताया पेटल्स के बारे में बताया, जो ग्रीन ग्रीन निकला हुआ नीचे से था सेपल्स, और ये जो है जिसपे पूरा फूल पूरा स्थित है, ऐसा था कोई चीज़ है बैठने वाला उस पर बड़े स्थित किया हुआ, और उसके बाद नीचे में डंडा लगा रहता है, ठीक है। ये जो सॉलिड पार्ट रहता है जिसमें पूरा फूल स्थित रहता है, इसे कहते हैं थैलेमस या रिसेप्टेकल कहते हैं। उसके नीचे डंडा जो है जिसे स्टॉक कहते हैं, स्टॉक ऑफ द फ्लावर, इट्स ऑल्सो कॉल्ड पेडिसल, PDICEL, नाम सब याद रखना चाहिए, ठीक है। मैं तेरा पास बताऊंगा पर प्लीज़ याद रखने की कोशिश करना। समझ में आया किसे कहते हैं, ये फीमेल पार्ट था, मेल पार्ट का कौन सा था, इसे कहते हैं स्टेमेन। जो मेल पार्ट का नाम है स्टेमेन, देखो नाम में मेन है, मेन स्टेमेन, STAMEN, जो बचपन में वो पिछले क्लास में भी होगा ये सब, चाहे उसको याद होगा किसी किसी को। और ये जो है ये फीमेल पार्ट, इसे कहते हैं हम लोग एक्चुअली कहते हैं इसको कार्पल, या बहुत जन कहते हैं इसको पिस्टल, ठीक है, समझ में आ गया बात। तो अब ये गाइनेशियम का पार्ट है, और ये जो है मेल पार्ट वो एंड्रोशियम का पार्ट है। फिलहाल उस समझ में नहीं आ जाते, फिलहाल जो मेल पार्ट समझ में आ गया, फीमेल पार्ट मेल पार्ट में और अच्छा समझा दूँ। ये नीचे वाला पोर्शन जो है फीमेल पार्ट का, जब फीमेल पार्ट कहते क्या थे याद है ना, उसे कहते थे हम लोग कार्पल या पिस्टल, पूरा को। इसमें से नीचे वाला पोर्शन है ये से कहते हैं ओवरी, ठीक है,
ये हो गया ओवरी। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी में एक होता है। तो ओवरी विच कंटेन्स ओव्यूल एंड देन दिस इज कॉल्ड स्टाइल, थोड़ा स्टाइल में रहता है। और ऊपर में जो होता है स्टिग्मा, ऊपर में कुछ खुला हुआ जैसे मुंह जैसा रहता है स्टिग्मा, ठीक है, उसमें ही पोलन ग्रेन्स आके स्टिक करते हैं, यहीं पे आके गिरता है और उसके बाद ही कहानी सब स्टार्ट होता है, समझिए बात। तो ये चीज़ से मैं नेक्स्ट भी जो तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें बताऊंगा अच्छे से। फिलहाल अच्छा सुनो, अच्छा जो लोग सोच रहे होंगे सर आप फिजिक्स का तो पढ़ाया नहीं, फिजिक्स बताऊंगा। फिलहाल मेरे को लगा ये थोड़ा चैप्टर कर लेता हूँ तो कर ले रहा हूँ, ठीक है। फिजिक्स में और भी जो रेस्ट पार्ट कुछ बचा हुआ जैसे सम सम्स है वो भी कराऊंगा कुछ दिन के बाद। तो समझ में आ गया ये वाला, किसे क्या कहते हैं, ये ओवरी था जिसके अंदर क्या है ओव्यूल, और ये हो गया तुम्हारा स्टाइल, और ये जो हो गया स्टिग्मा। तो कार्पल का तीन पार्ट है, स्टाइल सिग्मा ओवरी, ठीक है। अब ये जो है मेल पार्ट जिस कॉल स्टेमेन, इसमें दो पार्ट है। ऊपर वाला पार्ट जिसे कहते हैं एंथर, इसी में पोलन ग्रेन्स रहता है, पोलन ग्रेन्स बहुत फाइन पाउडर जैसा रहेगा, पतला पतला पाउडर जैसा रहता है। अगर जौबा गाछ देखा हो, जौबा का फूल देखा होगा तुम लोग समझ गया होगा, पीला पीला जैसे अगर झाड़ोगे ना देखना बुक कॉपी सब में गिर जाएगा, पीला पीला डस्ट जैसा, वो जो धूल मिट्टी जैसा है वो ये पोलन ग्रेन्स इस पर होता है, एंथर में होता है। और ये जो स्टॉक जैसे जो लगा हुआ है इस पर, जिस पे लगा हुआ है जो है इसे कहते हैं फिलामेंट। तो स्टेमिन का दो पार्ट समझ में आ गया, दिस इज कॉल्ड फिलामेंट एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड एंथर विच कंटेन्स पोलन ग्रेन्स, गॉट इट, ओके। अब चलते हैं आगे, चलते हैं आगे, इसमें क्या क्या पार्ट्स आया क्या देखते हैं। हाँ पहले तो मैं नॉलेज दे दूँ, मैं व्हाट इज कैलिक्स, व्हाट इज कोरोला, व्हाट इज एंड्रोशियम, गाइनेशियम, थैलेमस का तुम्हें पता चल ही गया होगा, पेडिसल का तुम्हें पता चल ही गया होगा, और सेसाइल क्या होता है ये भी बताऊंगा। तो कैलिक्स, कैलिक्स एक्चुअली सेपल समझते हो सबको, सेपल्स मैंने जो ग्रीन ग्रीन निकला हुआ चीज़ सब जो है नीचे से, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेपल्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड कैलिक्स, गॉट इट। टोटल चार पार्ट में बटा हुआ है फ्लावर्स, तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये चार पार्ट्स होता है, ठीक है। इसमें मैं अभी कौन सा बोला, मैं बोला हूँ अभी कैलिक्स के बारे में, कैलिक्स समझ में आ गया, ग्रुप ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड कैलिक्स, गॉट इट, कैलिक्स हो गया। अब मैं बात करता हूँ कोरोला का, ये क्या होता है, ये होता है पेटल्स, याद है ना पंखुड़ी जिसे कहते हैं हिंदी में, पंखुड़ी या फिर अरे फूलों के पत्ते जिसे हम लोग कहते हैं, ग्रीन पार्ट नहीं समझिए ना, रेड पार्ट या जो भी कलर का पार्ट होता है, ठीक है। दैट ग्रुप ऑफ पेटल्स आर कॉल्ड कोरोला, तो कैलिक्स समझ में आ गया, ग्रीन पार्ट नीचे में जो होता है वो कैलिक्स, और कोरोला हो गया कौन सा, ग्रुप ऑफ पेटल्स। अब है एंड्रोशियम, ये ग्रुप ऑफ मेल पार्ट्स है, अगर मेल पार्ट ढेर सारा उसको ग्रुप वो कहते हैं एंड्रोशियम, मेल पार्ट समझ गए ना, स्टेमेंस को कहते हैं मेल पार्ट, तो ग्रुप ऑफ मेल पार्ट या फिर ग्रुप ऑफ स्टेमेंस है को एंड्रोशियम, एंड गाइनेशियम और फीमेल पार्ट के ग्रुप को कहते हैं गाइनेशियम, ठीक है। तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनेशियम, स्पेलिंग बुक में देखना, यहाँ पर जो मैं लिखा हूँ उसको मत देखो क्योंकि ये मैं अपने हिसाब से लिखा हूँ, बहुत छोटा छोटा हैंडिंग में लिखा हूँ, मेरे को सिर्फ समझ में आएगा, तुम लोग को नहीं समझ में आएगा, ठीक है। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनेशियम द मेन और द फोर मेन होल्स, WHORLS होल्स ऑफ द फ्लावर, ठीक है, पूछेगा तो ऐसे लिख देना, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनेशियम, समझ में आ गया। अब बात करते हैं थैलेमस, जिसको हम लोग रेसेप्टिकल भी कहते हैं, याद है थैलेमस, थैलेमस ये सोलन पार्ट जिसमें पूरा फूल स्थित है, मैं पहले भी बता चुका हूँ फिर से बता रहा हूँ, पेडिसल यानी कि स्टॉक ऑफ द फ्लावर, दिस स्टॉक इज कॉल्ड पेडिसल, एंड देर आर सम प्लांट्स व्हिच डज नॉट कंटेन दिस पेडिसल और स्टॉक, दोज फ्लावर्स आर कॉल्ड सेसाइल, SESSIL, स्टॉकलेस फ्लावर्स, को ये बुक में देखना लिखा हुआ था वहाँ पर, स्टॉकलेस फ्लावर्स, स्टॉक STALK, ये जो स्टॉक होता है, ठीक है, नहीं होता बहुत सारे फ्लावर, उसे कहते हैं ससाइल, हो गया, या समझ में आ गया, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनेशियम, थैलेमस, जिसे नहीं समझ में आया फिर से देखो बैकवर्ड करके फिर सुन लो, पेडिसल और ससाइल, ओके। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और भी कुछ है यहाँ पे, अब होगा क्या होगा देखते हैं। हाँ अब है तुम्हारा कुछ देखना लोगों, जो बॉक्स में से बनाया हुआ थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, विच इज द स्मॉलेस्ट फ्लावर, विच इज द लार्जेस्ट फ्लावर, स्मॉलेस्ट फ्लावर इज डकोविट, ओके, एंड द लार्जेस्ट फ्लावर इज रफलेशिया, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महकता है, बहुत गंदा सा बदबू रहता है रफलेशिया का, पर है थोड़ा इन्फॉर्मेशन है मैं बता दिया, स्मॉलेस्ट फ्लावर डकोविट एंड लार्जेस्ट फ्लावर इज रफलेशिया, रिमेंबर दिस। अब आता है पॉइंट पेरियन, देखो मैं बहुत फास्ट फास्ट बता रहा हूँ, मेरे को कोई कुछ कर नहीं सकता, अगर तुम्हें नहीं समझ में आया प्लीज़ बैकवर्ड करके फिर से या पॉज करके फिर से आगे का सुन लो, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पेरियंथ, अब ये क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पेरियंथ ये क्या होता है, कभी कभार ऐसा सिचुएशन होता है जब ना पेटल्स, याद है ना पेटल्स, इसको हम लोग हिंदी में पंखुड़ी कहते हैं, ठीक है, पेटल्स दिस पेटल्स एंड दिस सेपल्स दे फ्यूज टूगेदर, कभी कभी चिपक जाता है,
तो तुम ना आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कौन सा पेट्रोल से कौन सा सैपल से, ठीक है? ऐसा कभी सिचुएशन आ जाता है, तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड पेरियंट, PERIENT, पेरियंट। यू विल फाइंड योर बुक, प्लीज रीड दैट, एंड इफ यू डोंट हैव बुक नो प्रॉब्लम, जस्ट लिसन टू दिस थिंग्स, ओके? तो पेरियंट मैं बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ अभिराज को जिसने ये सब भेजा है। मैं टॉपिक्स ऐसे लिख लिया हूँ क्योंकि कौन कौन सा टॉपिक बताना नहीं बताना बिना एक बार देखे समझ में नहीं आता। पर एक तो बात बताना होगा अभिराज को, प्लीज़ मेरे को ऑर्डर वाइज भेज, जैसे मान लो 51 के बाद तुम भेजो, 66 पेज, 67 पेज, मैं समझ नहीं पाता हूँ, बहुत मेरे को प्रॉब्लम होता है समझ में। ऑर्डर वाइज क्लिक करो, ऑर्डर वाइज ही भेजो, ठीक है? 51 को 52, 52 को 50, ऐसे भेजो, ठीक है? ओके थैंक्स। तो पेरियंट समझ में आ गया, पेरियंट होते क्या है कि इन सम केसेस द पेटल्स, समझ गए ना, पेटल्स एंड सेपल्स, नहीं समझे तो एक बार देख लेना पहले जो कह रहा हूँ मैं पंखुड़ियों के तो पेटल्स एंड नीचे में निकला वाला था ग्रीन बर्ड सेपल्स के, इन सम केसेस पेटल्स एंड सेपल्स आर फ्यूज टुगेदर, दे आर नॉट डिफरेंशिएटेड, यू कैन नॉट डिफरेंशिएट देम, तुम समझ नहीं पाओगे कौन सा क्या है पेटल्स से सेपल्स, तो इन दैट केस दोज आर कॉल्ड पेरियंट, ठीक है? अब बुक में शायद नहीं होगा, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, पेरियंट में भी दो टाइप का होता है, एक होता है पेटेलॉइड पेरियंट, एक होता है सेपेलॉइड पेरियंट, मे भी कहीं भी मिल जाएगा पर अभी नहीं मिलेगा जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, तो कि लास्ट की तरफ शायद मिल जाएगा। तो पेटेलॉइड पेरियंट मतलब क्या, तो मैं क्या बोला कभी भी डिफरेंस नहीं किया जा सकता कि क्या है पेटल से कि सेपल से। अगर ऐसा केस हो गया जिसमें पेटल्स जैसा ही सेपल्स भी दिख रहा है, मैं तुम सेपल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे सेपल्स है, ठीक है? यूजुअली ग्रीन कलर का होता है ना, पर कभी कभी दूसरा कलर का भी हो जाता है, पेटल से कलर की हो जाता है। तो ऐसे केस में जैसे पेटल के जैसा ही है सेपल, पेटल जैसा ही, तो ऐसे केस में कहेंगे पेटलॉइड पेरियंट, ठीक है? कभी कभार क्या होता है सेपल जैसा ही पेटल्स होता है, तो उसे कहते हैं क्या, सेपलॉइड पेरियंट, SEPALOID, बुक में मिलेगा कहीं ना कहीं, ठीक है? टेंशन लेने का बात नहीं, पर फिर भी याद रखो पेरियंट में हो गया क्या, पेटलॉइड पेरियंट एंड सेपलॉइड पेरियंट। अब उसके बाद आता हूँ मैं, ये क्या लिखूँगा, कंप्लीट फ्लावर। अब ये क्या होता है, ऐसा फ्लावर जिसमें चारों का चारों होल्स हो, होल्स मैंने वही कैलिक्स कोरोला एंड्रोशियम गायनोशियम, WHORLS कहते हैं होल्स को, ठीक है? तो ऐसा फ्लावर जिसमें चारों का चारों होल्स हो उसे कहते हैं कंप्लीट फ्लावर, जिसमें मिसिंग हो उसे कहते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर, करेक्ट? अच्छा, अब इसमें तो और भी कुछ है, इसमें कहते हैं कुछ क्या कहते थे उसको, इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ना अनइम्पॉर्टेंट पार्ट, ऐसे कुछ भी है टू पार्ट, ठीक है? इम्पॉर्टेंट पार्ट किसे कह रहा हूँ मैं बताते रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट पार्ट्स मैंने जिसमें मेल फीमेल पार्ट्स है, ठीक है? अच्छा, कंप्लीट फ्लावर उसे भी कहते, सॉरी मेरा शायद कंप्लीट फ्लावर जनरली बहुत सारे ऐसा ही फ्लावर होता है ना जिसमें ना वो नहीं होता, मेल फीमेल पार्ट नहीं होता, शायद तुम्हारे बुक में वही दिया होगा। कंप्लीट फ्लावर इज दोज पार्ट जिसमें मेल फीमेल पार्ट हो दैट इज कंप्लीट, जिसमें नहीं हो तो इनकम्प्लीट, ठीक है? ऐसे ही दिया होगा शायद बुक में, कुछ भी मिसिंग हो इनकम्प्लीट हो जाता है। पर एक्चुअली इम्पॉर्टेंट या एसेंशियल पार्ट्स जैसे कहते हैं, पहले बात कर लेते हैं, ये भी है टॉपिक कहीं पर होगा शायद, मैं लिखा नहीं हूँ। एसेंशियल पार्ट्स आर द मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट, जो सेक्सुअल पार्ट होता है वही है एसेंशियल पार्ट, एंड बात बाकी जो स्टेमन सेपल्स है मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? एसेंशियल पार्ट समझ गए, कंप्लीट फ्लावर जिसमें चारों का चारों हो, या फिर कोई भी बुक में वो उसको मेल एंड फीमेल पार्ट के बारे में बताया होगा जिसमें हो वो कंप्लीट, नहीं तो अनकम्प्लीट, ठीक है? देख लेना तुम लोग बुक में क्या है। अच्छा, जो भी पढ़ाई कर रहे हो ना, जो भी मैं बता रहा हूँ सबका एग्जाम्पल अच्छे से याद रखना, जैसे पेरियंथ का क्या एग्जाम्पल होगा, कंप्लीट फ्लावर का क्या एग्जाम्पल होगा, इनकम्प्लीट फ्लावर का एग्जाम्पल है, किसी में एग्जाम्पल नहीं लिखा, तुम लोग का कुछ भी क्वेश्चन होगा याद रखना उसमें दो दो एग्जाम्पल देना जरूरी होगा, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ बाइसेक्सुअल फ्लावर या हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं, HERMAPHRODIT, ऐसे ही वर्ड देगा तुम लोग, कभी बाइसेक्सुअल नहीं देगा, हर्माफ्रोडाइट ऐसा फ्लावर जिसमें दोनों वो क्या बोलते हैं उसको, दोनों मेल भी पार्ट हो फीमेल पार्ट भी हो, दोनों हो, जैसे फीमेल पार्ट भी है मेल पार्ट भी है, ऐसा फ्लावर कहते हैं हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है? करेक्ट, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर या हर्माफ्रोडाइट कहते हैं उसको, ठीक है? यूनिसेक्सुअल लवर, अब यूनिसेक्सुअल का मतलब भी समझ में आ गया, एक ही कोई सेक्स होगा, या तो मेल पार्ट होगा या तो फीमेल पार्ट होगा। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जो जो पढ़ाई कर रहे हो सबका एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ना, एग्जाम्पल्स आता ही आता है, जैसे बोला कंप्लीट लवर विथ टू एग्जाम्पल्स, पेरियंट विथ टू एग्जाम्पल, ऐसे ही देता है क्वेश्चन। यूनिसेक्सुअल लवर समझ गया, अच्छा यूनिसेक्सुअल में मैंने कि एक ही कोई सेक्स ऑर्गन होगा, या तो मेल पार्ट होगा या तो फीमेल पार्ट होगा। अगर मेल वाला पार्ट, मेल याद है ना, मेल यानी कि स्टेमन कहते हैं,
तो उसे हम लोग कहते हैं यूनिसेल्यूलर फ्लावर में भी आता है स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट। अच्छा, जिसमें स्टेमन हो, यूनिसेल्यूलर में एक सेक्स है, जिसमें स्टेमन वाला हो यानी मेल पार्ट हो उसे स्टेमिनेट स्टेमिनेट, एंड जिसमें फीमेल पार्ट हो उसको पिस्टिलेट। ओके, पिस्टिल होता है ना, पिस्टिल फीमेल पार्ट कहते थे हम लोग, ठीक है। अच्छा, न्यूट्रल फ्लावर क्या होता है? न्यूट्रल फ्लावर वैसा फ्लावर जिसमें कोई नहीं हो, यानी कि ना मेल पार्ट हो ना फीमेल पार्ट हो। जैसा एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रही है। न्यूट्रल फ्लावर, न्यूट्रल जेंडर पता है? न्यूट्रल जेंडर कहीं पढ़े थे तुम लोग ग्रामर में, पढ़े थे मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर भी पढ़े हुए तुम, ठीक है। तो न्यूट्रल फ्लावर और दोज फ्लावर विच डोंट हैव मेल और फीमेल पार्ट, ठीक है। इसके एग्जाम्पल जरूर सब बनाना, मैं बार बार बता रहा हूँ, सबका एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट, इसका तो सबसे याद है, ये बात बाकी तुम लोगों को याद ही हो जाएगा, इसका याद नहीं होगा, ठीक है। न्यूट्रल फ्लावर इज रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, याद रखना। अब है क्या? ओके, अब है मोनोशियस एंड डायोशियस प्लांट। अब ये क्या होता है? अब देखो, कभी कभार क्या होता है, एक ही फ्लावर में दोनों मेल भी हैं फीमेल भी है, एक ही फ्लावर, उसे कहते हैं हम लोग मोनोशियस फ्लावर। और अगर ऐसा केस हुआ, ध्यान सुनना, अगर ऐसा केस हुआ कि हाँ उसमें मेल और फीमेल है लेकिन एक है ऊपर वाले फ्लावर में और एक है नीचे वाला फ्लावर, मतलब उसी पेड़ में है, सेम प्लांट में है, ऊपर में है तुम्हारा मेल पार्ट, नीचे में तुम्हारा फीमेल पार्ट, ऐसा भी कभी कभी केस होता है, तो उसे कहते हैं हम लोग डायोशियस, ठीक है। तो मोनोशियस एंड डायोशियस बहुत ध्यान अच्छा से रखना। मोनोशियस मतलब एक ही फ्लावर में दोनों हैं, एंड डायोशियस मतलब होता है कि दोनों है, मतलब मेल फीमेल पार्ट दोनों है, बट एक कहीं पे है तो एक कहीं पे है, एक इस फ्लावर में है तो एक दूसरा फ्लावर में, समझ में आ गया बात? तो दोनों अलग अलग जगह में है, ये एक ही जगह में, ठीक है। ओके, समझ में आ गया बात? चलो, पहला पार्ट खत्म हो गया, दूसरा पार्ट खत्म हो गया, आप चलते हैं तीसरा पार्ट में। तीसरा पार्ट में क्या है, कुछ फ्लोरल सिमेट्री के बारे में बताया, मैंने अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, फ्लोरल सिमेट्री बोलते हैं इसको। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स में आता है एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिकल, ये क्या होता है बता रहा हूँ। अच्छा, बात समझो, जैसे एक कि ये है स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर शेप है, इसको मैं अगर बांटना चाहूँ, ठीक है, तो कैसे बांट सकता हूँ, मेरा मर्जी। अच्छा, जैसे ही बांटूँ मतलब एग्जैक्ट हाफ होना चाहिए, एग्जैक्ट हाफ मतलब समझते हो ना, अगर ऐसे मोड़े तो एक के ऊपर एक चढ़ जाए ऐसे, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ से इसको बांटूँ, ऐसे मोड़ दूँ अगर यहाँ से, तो ये इसके ऊपर एग्जैक्ट चढ़ जाए, है ना, तो ऐसे बांट सकते हैं। मैं चाहूँ तो इसको बीच से, सॉरी, बीच से भी बांट सकते, तो ये ऐसे से ऐसे हो जाएगा। मैं चाहूँ ना इसको ना ऐसे ही बांट, देखो एग्जैक्टली इसके ऊपर चढ़ जाएगा, ये समझ गया ना, बहुत सारा वे से इसको बांटा जा सकता है, ये ऐसे बांट सकते हो जिससे ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा, पर ये एग्जैक्ट सिमेट्रिकल फिगर है, ठीक है। तो सिमेट्रिकल फिगर में आता है तुम्हारा एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। ये एक्टिनोमॉर्फिक मतलब आप इसको जैसे चाहो आधा कर सकते हो, ऐसे आधा करो, ऐसे आधा करो, ऐसे आधा करो, ऐसे आधा करो। तो कुछ कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं, अब फ्लावर में घुस गया है, एक्चुअली है मैथ्स का टर्म सब है। तो कुछ कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जो तुम जैसे चाहो उसको हाफ कर सकते हो, मैंने डिवाइड टू टू इक्वल हाफ्स, इट कैन बी डिवाइड टू इक्वल हाफ्स, दो फ्लावर्स आर कॉल्ड एक्टिनोमॉर्फिक और रेगुलर फ्लावर्स। ओके, नाउ इफ, अच्छा ये भी सिमेट्रिकल में आता है, ये भी सिमेट्रिकल में आता है, ये एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल मैंने उसको कुछ तुम आधा आधा कहीं बांट नहीं सकते, तो इसमें तो समझ में आ गया, आधा बांट सकते हो, पर कोई भी वे से बांट सकते हो, इधर से इधर से इधर से बहुत वे से बांट सकते हो। इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसको सिर्फ एक ही वे से बांट सकते हो, एक ही वे। जैसे मान लो अगर मैं क्या बनाऊँ, मैं बांस बनाता हूँ, बांस, ठीक है, थोड़ा ये बड़ा है, समझ लो थोड़ा सा ये बड़ा है, इसको डिवाइड करो ना, तुम यहाँ से नहीं बांट सकते हो, ना ही यहाँ से, इसको सिर्फ एक ही वे से बांट सकते हो, यानी ये वे से बांट सकते हो। तो ऐसा भी फ्लावर का मेबी हो सकता है, कुछ डिजाइन हो जिसको एक ही वे से बांट सकते हो, ओनली इन वन वे, दैट इज कॉल्ड जाइगोमॉर्फिक। शायद समझ में आ गया, वेरी इजी है। एक्टिनोमॉर्फिक तुम कैसे भी बांट सकते हो, जाइगोमॉर्फिक मतलब एक ही वे से बांट सकते हो, और एसिमेट्रिकल उसको बांट ही नहीं सकते। जैसे कि लेटर है तो एल, उसको बांट सकते हो, कभी नहीं बांट सकते उसको। जैसे बहुत सारा चीज़ है जो बांट नहीं सकते, जिसको बांट नहीं सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं एसिमेट्रिकल, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, पोजीशन ऑफ फ्लोरल होल्स, होल्स याद है ना, जो पेटल सेपल्स, कैलिक्स कोरोला, एम्ब्रिशन, कैसे वो लोग, कैसे वो लोग, मैंने पोजिशन है जिसमें आता है हाइपोगाइनी, पेरीगाइनी,
एपीगेनी, ठीक है। अब इसका मतलब झट से समझो, मैं डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, मैं मेन बात समझो, क्योंकि कभी कभी ना वहाँ पर डेफिनेशन ऐसा अजीब से लिखा होगा ना, समझ ही नहीं आएगा तुम लोग को। इसे ध्यान सुनना, ऐसे नहीं बोला था कि तुम लोग पहले ये पूरा देख लो, हल्का ओवरव्यू आ जाएगा तुमको क्या है नहीं है, उसका तुम लोग बुक पढ़ो। और जब पढ़ोगे ना, देखो कि शायद मैं इसके बाद एक मैंने लाइन बाय लाइन ही बनाया हूँ, ठीक है। जब पढ़ोगे वो टॉपिक तो वो टॉपिक पढ़ो, फिर ये वीडियो देखो, फिर वो टॉपिक पढ़ो, फिर तो शायद अगर मान लो वहाँ से नहीं समझ में आया तो यहाँ समझ में, मैं जो बोल रहा हूँ उस भाषा में समझ में आ जाए। पर हाँ, एग्जाम्पल वहाँ पर जरूर याद करना सारा, ठीक है। तो हाइपोकाइनिक, क्योंकि मैं बोला था कि बायोलॉजी में लाइन बाय लाइन तुम अच्छे से पढ़ना होगा, ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। मैं जब स्टार्ट हुआ क्लासेस तो मैं इसका टेस्ट ज़रूर लूँगा, ठीक है। आज मैं क्वेश्चन भी देने वाला हूँ ढेर सारा। हाइपोगाइनी, हाइपोगाइनी मतलब होता है ऐसा केस जिसमें ना, जैसे वो भी फ्लावर ही है, ठीक है, ये सेपल्स हो गया, ये हो गया वो स्टॉक, और ये हो गया तुम्हारा वो ओवरी, और ये जो समझ रहे हो ना फीमेल पार्ट स्टाइल स्टिग्मा, और ये हो गया पेटल सब। तो ऐसा केस जिसमें ओवरी ऊपर में आ जाए और ये सब जो है ना पेटल्स हो सेपल्स उसके नीचे से स्टार्ट हो, ध्यान रखना, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसमें यही है। कभी कभी देखना ये ऊपर में रहेगा ओवरी, कभी कभी देखना ओवरी बीचों बीच रहेगा, उसके बाद बीच बीच से निकला, कभी कभी देखना ओवरी नीचे रहेगा, यही तीनों का बारे में बात करना है। तो अगर ओवरी ऊपर ऊपर में है और पेटल्स उसके नीचे से निकला है, सेपल्स उसके नीचे सबसे निकला हुआ है, इसे कहते हैं हम लोग हाइपोगाइनी, बुक में पढ़ लेना तुम लोग। अगर ऐसा केस है जिसमें ये जो पेटल सेपल्स जो निकला वो बीचों बीच निकला ओवरी से ही मेन खेला है, ठीक है, उसे कहते हैं पेरीगाइनी। देखो मैं लिखूँ हाफ वे, और अगर ऐसा केस हुआ कि पूरा ओवर नीचे है, ये लोग सब ऊपर से निकला है, ऐसा केस होता है कभी कभी, एपिगाइनी। सबका एग्जाम्पल जरूर पढ़ना अगर बुक में दिया हो, ठीक है। तो यहाँ लिखा मैं ओवर द ओवरी, ओवरी हो ऊपर से निकला, इसमें ओवरी के हाफ है, मैं इसके ओवरी एकदम ओवरी के नीचे से निकल रहा है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस, हाइपोगाइनी पेरीगाइनी एपिगाइनी नहीं हुआ है, फिर से देखना। अच्छा ये हुआ तो मैं चौथा पोर्शन, अब मैं बता रहा हूँ पाँचवा पोर्शन। पांचवा मैं तुम लोगों को पहले से बता चुका हूँ, फिर से इजी पड़ेगा मेरे को बताने में, फिर से बता देता हूँ थोड़ा सा। कैलिक्स याद है, कैलिक्स, कैलिक्स होता था तुम्हारा ग्रुप ऑफ सेपल्स, याद है, सेपल्स 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 सेपल्स, ये था ग्रीन ग्रीन जो निकला हुआ था नीचे से फ्लावर का। सेपल्स के ग्रुप को कहते हैं कैलिक्स, मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, ग्रुप ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड कैलिक्स। अब यहाँ पर होता है कभी कभी पेटलॉइड सेपल होता है, याद है पेटलॉइड, पेरियंथ याद है पेरियंथ, वो यहाँ बुक में लिखा हुआ पेटलॉइड सेपल कहते हैं, मतलब समझ रहे हो ना क्या, सेपल का कलर का पेटल्स हो गया, ठीक है। या कभी कभी ऐसा भी होता है पेटल्स का कलर का सेपल, यहाँ शायद वो दिया हुआ है पेटल्स का कलर का सेपल हो गया, एग्जाम्पल होता है। यूजुअली ये ग्रीन कलर का होता है, पर कभी कभार क्या होता है, जैसे कुछ गुलमोहर बोल के एक तो प्लांट है उसमें होता है, तो उसमें क्या होता है ना, पेटल्स का रंग का ही सेपल्स हो जाता है। सुने क्या बोल रहे हैं, फिर से बता रहा हूँ, ग्रुप ऑफ सेपल्स सर्कल कैलिक्स, सेपल समझ लो ग्रीन वाला, यूजुअली दे ग्रीन कलर, बट समटाइम इट इज सीन दैट इन सम एक्सेप्शन होता है, जैसे गुलमोहर है, नेस्टेटियम, ऐसे बहुत सारा प्लांट सब होता है, तो मैं लाइन वाले पढ़ना लेंगे बुक से, ठीक है। उसमें कहते हैं पेटल्स का कलर के सेपल्स हो जाते हैं, दूसरा कॉल पेटलॉइड सेपल, ओके। अब सेपल्स के बारे में बात करते हैं, सेपल्स जो ग्रीन कलर का होता है उसमें बहुत सारा टाइप्स होता है, कभी कभी तुम देखोगे जैसे रोज में देखोगे, रोज रोज प्लांट देखे हो ना, उसमें देखोगे ना सेपल ऐसे निकला हुआ है, एक तो अलग से, एक तो अलग से, एक तो अलग से, एक तो अलग से, मैंने अलग अलग, दे आर वेरी फ्री फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। और एक देखो गेंदा फूल, गेंदा फूल का जो ग्रीन पोर्शन होता है ना चिपका हुआ रहता है, बस चिपका रहता है उसके ऊपर से फूल सब निकला होता है, तो हाँ जो चिपका रहता है उसे कहते हैं गैमोसेपलस, गैमो सेपलस, ठीक है, जैसे लगता है गम से चिपकाया हुआ, गम तो गैमो, गैमो सेपल, गैमो गैम से चिपकाया हुआ, ठीक है। तो गम छोड़, गैमो सेपल में चिपका हुआ, जैसे तुम्हारा उसमें क्या बोलते हैं उसको, मेरीगोल्ड कहते हैं, समझ गए ना, वो जो अपना गेंदा फूल होता है, और जिसमें सेपरेट सेपरेट शायद चाइना रोज में शायद सेपरेट सेपरेट रहता है, जो अपना जौबा फूल से सेपरेट सेपरेट रहता है उसमें, या गुलाब तो पक्का है सेपरेट अलग अलग रहता था, ये एग्जाम्पल देना दे तुम लोग खुद तो जानते ही हो। तो इसमें है पॉलीसेपल्स, व्हेन दे आर फ्री, व्हेन द सेपल्स आर फ्री दे आर कॉल्ड पॉलीसेपल्स, मैं मतलब बता दे रहा हूँ, डिफिनेशन तुम लोग अपने से ही बना सकते हो, ठीक है, मेन मतलब समझ लो। व्हेन द सेपल्स आर फ्री दे आर कॉल्ड पॉलीसेपल्स, एंड व्हेन दे आर फ्यूज टूगेदर, मैंने चिपका हुआ है, इट्स कॉल्ड गैमोसेपल, समझ में आ गया। तो व्हेन दे आर फ्यूज्ड, फ्यूज मतलब समझ गया ना, चिपका हुआ। एपिकैलिक्स एक ये वर्ड है, ये क्या होता है, कभी कभी जो सेपल्स का जो ग्रुप है ना उसे हम लोग कहते हैं कैलिक्स, है ना,
क्योंकि एक तो सब तरफ से हेल निकला हुआ, उसके नीचे तो और एक लेयर है कैलिक्स का, कैलिक्स सेपल्स का, ठीक है। तो सेपल्स का ग्रुप को कहते हैं कैलिक्स, एक तो ग्रुप था, उसके नीचे और एक सीरीज चल रहा था सेपल्स का। ये जो डबल डबल या बहुत सारा सीरीज है ना, इसे हम लोग कहते हैं एपी कैलिक्स। एक तो कैलिक्स था, फिर से अगर निकला उसे हम लोग कहते हैं एपी कैलिक्स, समझ गए बात। सेपल्स का एक ग्रुप था ही, और एक नीचे से एक और लेयर दिख रहे हैं, एक और ग्रुप ऑफ सेपल्स है, होता है कोई कोई प्लांट्स में, ठीक है। तुम लोग देख लेना एग्जाम्पल्स वगैरह दिया होगा तो उसे कहते हैं एपी कैलिक्स, समझ गए एपी कैलिक्स। तो मैं कैलिक्स मतलब समझा दिया, पॉली सेपल्स मैंने फ्री दिया, सेपल्स बचा फ्री, क्या मतलब वो चिपका हुआ सेपल्स। एपी कैलिक्स मैंने कैलिक्स का एक ग्रुप है, उसके नीचे और एक ग्रुप है, और अनदर सीरीज ऑफ कैलिक्स इज कॉल्ड एपी कैलिक्स, गॉट इट। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, फंक्शन ऑफ कैलिक्स क्या, कैलिक्स यानी ग्रीन पोर्शन का, सेपल्स किसको बोलते हैं हम लोग, उसका फंक्शन क्या हो सकता है, तुम लोग खुद सोचो क्या हो सकता है। तुम ऐसे देखे हो कि जब फ्लावर निकला हुआ नहीं रहता है ना, तो वो ना ऐसे वो जो सेपल्स ही रहता है वो ना वो ऐसे बंद करके रखता है फ्लावर, और जैसे जैसे फ्लावर बढ़ता रहता है वो खुलते रहता है, खुलते रहता है, खुलते रहता है, खुलते रहता है, वो नीचे चला जाता है। तो एक तरह से बोल सकते हो ना, इट प्रोटेक्ट्स द फ्लावर व्हेन दे आर वेरी यंग या व्हेन दे आर इन बर्ड स्टेज, बर्ड मतलब वो छोटा सा स्टेज, देन दे प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बर्ड स्टेज, समझ गया। कि एक तो काम ये हो गया कि कैलिक्स और यू कैन से ग्रुप ऑफ सेपल्स, व्हाट दे डू इज फर्स्ट दे प्रोटेक्ट द फ्लावर इन देयर बर्ड स्टेज। नेक्स्ट फंक्शन, एज दे आर यूजली ग्रीन कलर, सब तो ग्रीन कलर होता है ना, एग्जाम्पल छोड़, एक्सेप्शन छोड़ के बता रहा हूँ, मैक्सिम तो ग्रीन कलर का होता है, तो थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस भी करता है, ठीक है। और तीसरा बात यह है कि पेटल्स और जो सेपल्स हैं थोड़ा बहुत अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को, ग्रीन कलर दिखने में सबको बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं कभी कभार इंसेक्ट्स, ठीक है। तो बस यही बात था, मेन था दो था, वो जो दे क्या बोलते हैं प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बर्ड स्टेज, एंड नेक्स्ट बात था वो जो एज देयर ग्रीनिंग कलर सो लिटिल बिट फोटोसिंथेसिस डन बाई, ओके गॉट इट। जो अच्छे से सुन रहा है उसको तो समझ में भी आ रहा होगा, उसको मैं क्वेश्चन दूंगा वो इजीली कर पाएगा, इसी से रिलेटेड रहेगा क्वेश्चन सारा भी, ओके। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज एंड्रोशियम। अरे बाप रे, बहुत टॉपिक बाकी है अभी भी, 8, 9, 10 तो टॉपिक बाकी है, अपना 30 मिनट करीब हो ही गया, जल्दी कर दे थोड़ा सा। एंड्रोशियम याद है, एंड्रोशियम मेल पार्ट को कह रहा हूँ मैं, ग्रुप ऑफ मेल पार्ट्स जिसको ग्रुप ऑफ स्टेमेंस भी कहते हैं, ये जो स्टेमेंस स्टेमेंस में निकला हुआ। अब याद है स्टेमेंस दो पार्ट था, एक था ऊपर वाला एंथर विच कंटेन्स पोलन ग्रेन्स, और ये फिलामेंट जो स्टॉक है इसका। तो ग्रुप ऑफ एंथर्स सॉरी ग्रुप ऑफ मेल पार्ट्स और ग्रुप ऑफ स्टेमेंस आर कॉल्ड एंड्रोशियम, वॉलेट। अब एंड्रोशियम में भी है पॉलीएंड्रस, मोनोडेल्पस, डायडेल्पस। अब पॉलीएंड्रस में कोई जो है जो स्टेमेंस का जो है ना टुकड़ा सा वो बहुत फ्री है, इधर निकला हुआ एक तो अलग अलग, दिस आर कॉल्ड पॉलीएंड्रस, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, वो लोग सब एक में होता है, सारा एक साथ है, सारा जितना भी स्टेमेंस का जितना भी टाइप जितना भी था सब एक जगह जुटा हुआ है, उसे कहते हैं मोनोडेल्पस। कभी कभी होता है दो फॉर्मेट में रहते हैं, मतलब बहुत सारा एक साथ जुड़ा हुआ है, एक तो अलग से निकला हुआ है, देखना फोटो सब बुक में दिया रहेगा, एक तो अलग से निकला, तो दो फॉर्मेट में दिया होता है डायाडेल्पस। तो मैं पॉलीएंड्रस का मतलब समझा सका हूँ, पॉली मतलब सब अलग अलग, सब अलग अलग, सब अलग अलग, मोनो मतलब सब एक साथ ही है, सब एक साथ ही जुड़ा हुआ है, सब एक साथ है, ठीक है। और डायाडेल्पस मैंने दो ग्रुप में बटा हुआ है, एक ये ग्रुप में और ये ग्रुप में, डायाडेल्पस हो गया। एंड्रोशियम का ग्रुप को मैंने स्टेमन का ग्रुप कहते हैं एंड्रोशियम, उसमें ये तीन टाइप्स है। अब फिलामेंट्स, अच्छा समटाइम्स दिस फिलामेंट्स, फिलामेंट्स मतलब ये इसको कह रहा हूँ मैं फिलामेंट्स, समटाइम्स दिस फिलामेंट्स ना कभी कभार नहीं, ये लोग ना फ्यूज चिपक जाता है पेटल से, ऐसा होता है कभी कभी, दिस आर एक्सेप्शनल केसेस। समटाइम फिलामेंट्स आर फ्यूज विद पेटल्स एंड दिस आर कॉल्ड एपीपेटलस, एपीपेटलस, ठीक है। क्या समझ में आ गया, फिलामेंट्स चिपका हो रहता है पेटल से, दैट्स कॉल्ड एपीपेटलस, नाम से अच्छे से याद रखना, एक एग्जाम्पल भी याद रखना, ओके। उसके बाद है, अब कभी कभार क्या होता है, फिलामेंट्स जो है वो फ्री रहता है, पर साला एंथर लुक जितना भी है ना, जैसे मतलब फिलामेंट्स है फ्री है पर जितना एंथर सब एक जगह जुड़ गया, जैसे ऐसे दिखाना डायग्राम, फिलामेंट्स फ्री है, फ्री है, फ्री है, सारा फ्री है, पर इसका एंथर सब ना ये लोग जुड़ गया है, ये सनफ्लावर में होता है देखने को मिलता है, सब ये लोग सब फ्री है, फिलामेंट्स सब फ्री, पर जो ऊपर का जो एंथर है वो लोग चिपक गया, ठीक है। ऐसा भी केस होता है, इट्स कॉल्ड सिनजेनेसियस, ठीक है, याद रखना है स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सिनजेनेसियस, ओके। ये जो स्पेलिंग सब है पेटल्स, ये जो बोला समझ गए, एपिपेटल्स क्या होता है, फिलामेंट चिपका रहता है कभी कभी पेटल्स से,
उसे कहते हैं एबिपिटल्स। और ये है फिलामेंट्स आर फ्री बट एंथर्स, जो ऊपर वाले एंथर्स है ना, दे आर फ्यूज, इट्स कॉल्ड सिनजेनेसिस। ठीक है, तुम तो लोग जैसे उच्चारण करना करो। अब बात करते हैं गायनेशियम। गायनेशियम मैंने फीमेल पार्ट का बात करते हैं, तो फीमेल पार्ट को याद है ना क्या क्या कहते हैं हम लोग? कार्पल कहते हैं, बॉर्जन पिस्टिल कहता है। इसमें आता है क्या क्या पार्ट है? इसमें आता है ये वाला सॉरी स्टिग्मा, जिसमें पोलन आ जाता है, किसी भी वे से आ जाता है, ये कोई इंसेक्ट्स ले आता हो, या फिर विंड से आ जाता हो, या फिर कोई एनिमल्स के थ्रू, या फिर वाटर के थ्रू, कैसे भी ये अगर आ जाता हो यहाँ पे पोलन आता है। ठीक है, ये स्टिग्मा है, मा स्टिग्मा स्टिक करता है। ठीक है, स्टिग्मा ये स्टाइल है, स्टाइल तो स्टाइल में रहता है, स्टाइल में रहने का स्टाइल। और ये जो नीचे वाला पोर्ट है, पोर्शन है, ये है ओवरी। इस ओवरी के अंदर ही होता है ओव्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये पूरा हो गया तुम्हारा गायनेशियम का पार्ट, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी के बारे में ही, ज़्यादा कुछ नहीं होगा यहाँ पे। हाँ, तो बस ये लिखा हूँ, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी के बारे में बताना है बस, खाली समझ में। ओवरी में ही होता है ओव्यूल, ध्यान रखना ओवरी में ही होता है ओव्यूल। ओके, अब यहाँ तक चैप्टर खत्म लगभग हो गया। अब जो ये जो दो टॉपिक है बहुत ही आसान है, मैं झटपट से बताऊँगा क्योंकि 30 मिनट अभी हो चुका है मेरे को, और तुम लोग को बोरिंग भी लग रहा होगा थोड़ा सा, पर ये इंपॉर्टेंट चैप्टर, ध्यान रखना। प्लासेंटेशन क्या होता है? अब प्लासेंटेशन से पहले तुमको पढ़ना होगा प्लासेंटा क्या होता है। प्लासेंटा क्या होता है? ये जो ओव्यूल, याद है ओव्यूल क्या है? ओव्यूल मतलब ओवरी के जो अंदर था, ओ कहाँ गया, ओवरी के जो अंदर था ओव्यूल। अब ये ओव्यूल ना ओवरी से कोई वे से चिपका रहता है, कोई चीज़ से चिपका हुआ रहता है, मैं एग्जैक्टली बना नहीं पा रहा, मान लो यहाँ से चिपका हुआ है ये चीज़ से, ये जो चीज है इसे कहते हैं हम लोग प्लासेंटा, जिससे चिपका हुआ है। और ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है, जरूर नहीं ऐसे ये कहीं से भी चिपका हो, यहाँ से भी चिपका हो सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, कैसे भी चिपका हो सकता है। अरेंजमेंट ऑफ प्लासेंटा इज कॉल्ड प्लासेंटेशन, समझ गए बात? तो मैं लिखा हूँ, देख, ओव्यूल रिमेन अटैच विद ओवरी बाई प्लासेंटा। ठीक है, एंड द अरेंजमेंट ऑफ दिस प्लासेंटा इज कॉल्ड प्लासेंटेशन। तुम्हारे बुक में शायद और अच्छा से वे से लिखा हो, मैं तो उस ईजी वे समझाना चाहता हूँ था। समझ गया ना? अपने 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 माने हम लोग का जो अंदर में जो प्रेग्नेंट वुमेन लोग का जो अंदर में जो बेबी रहता है उसमें भी प्लासेंटा होता है। ठीक है, प्लासेंटा वही काम करता है जो यहाँ पे काम करता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, जिसमें खाना पीना, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, सारा नाइट्रोजन वेस्ट निकालना, वो भी उसी का काम होता है, प्लासेंटा का काम होता है, यहाँ प्लासेंटा का वही काम है। ठीक है, तो प्लासेंटा समझ गए, तो ओव्यूल इज कनेक्टेड विथ द ओवरी बाय प्लासेंटा, एंड द अरेंजमेंट हाउ दे आर अरेंज्ड, अरेंजमेंट ऑफ, एक्चुअली अरेंजमेंट ऑफ प्लासेंटा इज कॉल्ड प्लासेंटेशन। अरेंज कैसे है वो इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्लासेंटेशन समझ में आ गया। अब और क्या पढ़ाना है मेरे को? इनफ्लोरेसेंस। हाँ, इनफ्लोरेसेंस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब होता क्या है, कभी कभार जो फ्लावर होता है ना, जैसे बहुत सारे प्लांट हम लोग देखे होंगे, फ्लावर्स होते एक एक होता है, कभी कभी एक तो है, फिर एक तो है, ऐसे खत्म। और कोई कोई ऐसा भी प्लांट होता है ढेर सा ग्रुप ऑफ फ्लावर्स होता है ना, झुंड रहता है फ्लावर्स का। ठीक है, एक में झुंड है पूरा बड़ा, उसका केस में इन्फ्लोरेसेंस आएगा। जो क्लस्टर्स ऑफ फ्लावर्स, ये ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, जो बहुत सारे क्लस्टर्स ऑफ फ्लावर्स होते हैं ना, उसे कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस, समझ गए? एक सिंगल सिंगल जैसा फ्लावर, जैसे मान लो जवा, जवा सिंगल सिंगल रहता है, एक जगह में एक ही तो होता है। ठीक है, जवा समझ गए ना, जो काली माई को चढ़ता है वो वाला, तो सिंगल सिंगल रहता है वो, उसे इन्फ्लोरेसेंस नहीं कहते। जो झुंड है, झुंड बहुत सारे एक साथ झुंड जो मर रहे हैं उसमें, जैसे मान लो जैस्मिन देखे हो, जैस्मिन, जैस्मिन क्या कहते हैं, चमेली कहते हैं हिंदी में, हाँ चमेली का ना, वो झुंड में रहता है वो सब सारा। तो नहीं देखे तो देख लेना कुछ, एक जुगल वगल में देख लेना कैसा होता है। ठीक है, तो झुंड वाला फ्लावर्स कहते हैं लोग इनफ्लोरेसेंस कहते हैं, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स है ना, सिंगल एक्सेस। ओके, अच्छा, अब इनफ्लोरेसेंस भी दो टाइप का होता है, होता है रेसमोस एंड साइमोस। ये दोनों जल्दी देखना, मेरे को खत्म करना भी है। एंड ये देखो, एक होता है क्या है, तो कभी कभी ऐसा होता है, ये मेन मेन तो समझ गए ना, ग्रुप ऑफ बहुत सारा फ्लावर झुंड रहेगा, कभी कभी ऐसा रहेगा, मेन एक्सेस है, इसको पेड अंकल भी कहते हैं, पेड अंकल, PEDUNCLE, मे इसमें से निकला हुआ, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे फ्लावर, यहाँ फ्लावर, यहाँ फ्लावर, यहाँ बड़ा हुआ है फ्लावर से। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि ये आया, अब इसके बाद ये सब फैल गया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, ये यहाँ से फैलते गया, ये सब फ्लावर्स, यहाँ सब एंड में फ्लावर। ठीक है, हर एंड में फ्लावर से ज़्यादा, तो ये एक अलग से सीनारियो है। ठीक है, यहाँ पे खत्म हो गया और उसके बाद आगे बढ़ते गया, ये तुम्हारा फ्लावर्स का और भी शाखाएं बढ़ते गए, पर इसमें मेन एक्सेस से ही निकला हुआ फ्लावर्स, यहाँ फ्लावर, यहाँ फ्लावर, यहाँ फ्लावर, यहाँ फ्लावर, तो मेन एक्सेस में जिसमें निकला हुआ है ये को, ये भी झुंड ऑफ फ्लावर्स, यहाँ भी झुंड ऑफ फ्लावर्स, तो इसमें क्या मेन एक्सेस से निकला हुआ सारा, तो इसे कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, इसको रेसमोस इनफ्लोरेसेंस कहते हैं, रेसमोस। ठीक
ठीक है, इसके एग्जाम्पल ज़रूर ज़रूर से पढ़ना। और जिसमें एसिड निकला हुआ है, मेन एक्सेस यहीं पे छूट गया और ये सब आगे बढ़ रहा है, ये सब कहाँ कहाँ से निकल रहा है। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस मैं फिर से बता रहा हूँ, ग्रुप ऑफ या क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स कहते हैं, जहाँ सिंगल सिंगल है उसको नहीं कहते इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, और उसमें मेन एक्सेस ही निकला हुआ ऐसा है तो उसको रेसमोस, और जिसमें ऐसे है बाद में बहुत सा निकला हुआ उसे कहते हैं साइमोस। गॉट इट? दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर, 35 मिनट्स हो गया। अब मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पहले तो फंक्शन ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गैनेशियम, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद व्हाट इज पेरियंथ, व्हाट इज कंप्लीट फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, व्हाट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर, गिव सब में एग्जाम्पल लिखना। व्हाट न्यूट्रल फ्लावर, गिव एग्जाम्पल। व्हाट इज मोनोशियस प्लांट, व्हाट इज डायोशियस प्लांट विद एग्जाम्पल। व्हाट इज एक्टिनोमॉर्फिक, गिव एग्जाम्पल। व्हाट इज जाइगोमॉर्फिक, गिव एग्जाम्पल। एसिमेट्रिक गुड एग्जाम्पल, मैंने समझ जितना भी पढ़ा है सबका तुमको लिखना है विद देयर एग्जाम्पल्स। ओके, व्हाट इज पेटलॉइड सेपल, व्हाट इज पॉलीसेपल्स, गिव एग्जाम्पल। गैमोसेपल, गिव एग्जाम्पल। एपिकैलिक्स, फंक्शन ऑफ कैलिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तुमको पहले ही बताया था फंक्शन ऑफ सब लिखना है, तो फंक्शन ऑफ कैलिक्स अगेन यहाँ पे एटलीस्ट दो फंक्शन लिखना ही, फंक्शन ऑफ एंड्रोशियम, फंक्शन ऑफ गैनेशियम जरूर लिखना। व्हाट इज पॉली एंड्रोस, व्हाट इज मोनोडेल्पस, व्हाट इज डायडेल्पस विद देयर एग्जाम्पल्स। व्हाट इज एपिटेलस, व्हाट इज सिनजेनेसियस, सो व्हाट इज साइनजेनेसियस, भी जेनेसियस भी कहते हैं। और गाइनेशियम का पार्ट्स क्या क्या, स्टिग्मा, सेल ओवरी एंड देयर फंक्शन। व्हाट इज प्लेसेंटेशन, व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस, द टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, दैट्स इट। समझ में आ गया चैप्टर? नहीं समझ में आया मेरे को कमेंट करना सर कैसा लगा, समझ में आया तो भी कमेंट करना, नहीं समझ में आया तो भी समझ करना। बहुत जन सानी सुनी, बहुत जन मेरे कोई कमेंट नहीं करता। मैं बोला तुम लोग को मंडे, वेनसडे, फ्राइडे, जिस दिन सुनना उसी दिन कमेंट करना। ठीक है, तुम लोग बहुत देर से कर रहे हो, छूटते जाएगा तुम लोग का। बहुत जन शायद छूट रहा है, बहुत जन को अपना फ्रेंड लोग जिसको नहीं पता चल रहा, प्लीज़ आप लोग उसको इन्फॉर्म करें। जैसे मेरे को दो तीन जन चार जन को तो पता है, वो लोग सुन रहे हैं, वो लोग को लोग फॉलो कर रहे हैं बहुत अच्छे से, पर मेरे को कमेंट नहीं करते। शायद उन लोगों को कमेंट करना नहीं आता है। देखा नीचे में कमेंट करने का सेक्शन होता है, प्लीज़ वहाँ कमेंट करना, या मेरे को जो मेरा ईमेल आईडी उसमें कमेंट कर देना, कैसे समझ में आया, ये टॉपिक नहीं समझ में आया, वो टॉपिक नहीं समझ में आया, प्लीज़ ज़रूर बताना। ओके, बाय।